दर्शन कीजिए ना आपने दर्शन। ये काला झाड़ है, दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पचमढ़ी, चालू हो चुकी है नागद्वारी की यात्रा, लोग आ गए हैं और बिल्कुल आप देख रहे हैं हम लोग तैयार हो चुके हैं नागद्वारी जाने के लिए। तो चलिए मिलकर चलते हैं नागद्वारी। दोस्तों आज नागद्वारी मेला का पहला दिन है, हम लोग सुबह सुबह निकले हैं नर्मदापुरम से और पचमढ़ी पहुंचकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम यहां रुक रहे हैं दैनवा दर्शन के लिए। मटकुली और पचमढ़ी के बीच बड़ा सुंदर स्थान है दैनवा दर्शन, यहां से दैनवा के दर्शन किए जाते हैं। हजारों फीट गहरी खाई है नीचे जहाँ से दैनवा दिखाई देती है। यह है दैनवा नदी, बारिश में विकराल रूप धारण कर लेती है और गर्मी में जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है दैनवा नदी में। यह एक इको पॉइंट भी कहलाता है। जब हम यहाँ खड़े होकर जोर से आवाज़ लगाते हैं तो सामने वाले पहाड़ से जाकर आवाज़ हमारी टकराती है और आवाज़ टकरा कर वापस लौट कर आती है, इसलिए इसे एक इको पॉइंट भी कहा जाता है। अब हम दैनवा दर्शन से आगे बढ़ते हैं पचमढ़ी की ओर। रेनकोट और टोप के साथ की टोप अलग? टोप अलग। टोप कितने का है? 30 रुपए। 30 रुपए का टोप, 50 रुपए की रेनकोट। वर्ष में श्रावण मास के नाग पंचमी के 10 दिन पहले यात्रा शुरू होती है और सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मेला लगता है। तो उन 10 दिनों में आज पहला दिन है और हम लोग आ चुके हैं पचमढ़ी और निकल रहे हैं नागद्वारी के लिए। जय महाकाल। हम लोगों ने पचमढ़ी में अपनी कार पार्क की, वहाँ से एक जिप्सी करके जल गली तक आ गए हैं और यहाँ से अब हम पहुँच रहे हैं पिलग्रिम ट्रैक तक। पचमढ़ी में नागद्वारी यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। धूपगढ़ के रास्ते में जल गली तक जिप्सी ने छोड़ा, वहाँ से आगे पिलग्रिम ट्रैक तक हम लोग पहुँच रहे हैं और पिलग्रिम ट्रैक से हम लोग 12-13 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे नागद्वार मंदिर के लिए। धूपगढ़ के रास्ते में पड़ने वाली ये पुलिया, जिसके नीचे हम यदि झाँक कर देखें तो हजारों फुट की गहराई दिखाई देती है। इसके बाद से धूपगढ़ तक पूरा चढ़ाई चढ़ाई है, घाट सेक्शन है। 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंच चुके हैं नागद्वारी पिलग्रिम ट्रैक तक। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है और साथ ही यहां दुकानें लगनी हैं तो दुकानदार भी अपना अपना सामान लेकर आ रहे हैं। यह पहाड़ी नाग के फन के आकार की है,
इसलिए इसे नागफनी भी कहा जाता है। भगवान शंकर को और नाग देवता को स्मरण करते हुए हम हमारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जो यहाँ से 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हमें पहुँचना है पद्मशेष स्वामी नागद्वार। इस यात्रा में हमें कई जंगल पार करने हैं, कई पर्वत पार करने हैं, कई नदियों को पार करके पहुँचना है नागद्वार, भगवान नाग देवता के मंदिर, जिसे नागलोक का द्वार भी कहा जाता है। रास्ता आप देख रहे हैं किस तरह का रास्ता है। इस रास्ते पर हमारी ट्रैकिंग प्रारंभ हो चुकी है और सामने आप देख रहे हैं एक सज्जन कितने बड़े बोरे में सामान लेके जा रहे हैं। ये भुट्टा लेके जा रहे हैं, मक्का। बहुत ही मज़ेदार यात्रा है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे झरने हमें रास्ते में कई बार मिलेंगे। लोग यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं झरनों का आनंद लेते हुए। बारिश बंद हो जाती है तो इस तरह रेनकोट उतार कर हाथ में रखना पड़ता है। फिसलन भरे रास्तों पर एक एक पैर जमा कर रखना ही होगा, अदरवाइज दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है। बहादुर लोग दौड़ लगाते हुए भी चल रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी चलते हैं, एक दूसरे को मदद करके भी आगे बढ़ते जाते हैं। जगह जगह आपको कपूर जलते हुए मिलेंगे। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कपूर को जलाकर जोर से सांस ली जाती है तो ऑक्सीजन की किसी हद तक पूर्ति हो जाती है।
प्रायः सभी भक्तों के पास इस तरह का एक डंडा आपको ज़रूर मिलेगा जो जानवरों से सुरक्षा और चलने में सहायक होता है। अभी ढलान की यात्रा हम कर रहे हैं, पर्वत से नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद एक छोटी सी नदी मिलेगी जहाँ से फिर हमें दूसरे पर्वत के लिए ऊपर चढ़ना है। हम पहुँच चुके हैं भजिया गिरी नामक स्थान पर। यहाँ कुछ दुकानें आपको मिलेगी जहाँ खाने पीने के अलग अलग तरह के सामान आपको मिलेंगे, जहाँ बैठकर आप भोजन कर सकते हैं, कुछ नाश्ता कर सकते हैं, इसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग हैं भजिया गिरी में, इसलिए यहाँ हर दुकान पे भजिया दिखाई दे रहे हैं। इस स्थान का नाम ही है भजिया गिरी। यहाँ से आगे हमें काजरी गांव मिलेगा। हर हर महादेव। यहाँ भजिए भी खा सकते हैं। रोटी काई की है? रोटी काई की है? मक्के की रोटी है। मक्के की रोटी भी आप खा सकते हैं? हाँ। मक्के की रोटी और बेसन है और चटनी है टमाटर की। बेसन रोटी चटनी टमाटर के साथ आप मक्के की रोटी भी यहाँ खा सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी। कितने में खिलाओगे एक व्यक्ति को? 20 रुपए में एक व्यक्ति का भोजन यहाँ बड़ी आसानी से हो जाने वाला है। इसमें मक्के की रोटी है, चटनी है, साग है, बेसन है, हरी मिर्ची है, प्याज, हरी मिर्ची, प्याज भी सब कुछ मिलेगा आपको 20 रुपए में। विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पचमढ़ी के जंगलों में। और एक छोटी सी पगडंडी से हम लोग चले जा रहे हैं नागद्वार मंदिर की तरफ। ये काला झाड़ है और इस काला झाड़ की वजह से इस स्थान को काला झाड़ भी कहते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा झरना है जिस झरने के पानी से भक्त लोग हाथ मुंह धो रहे हैं, अपनी बॉटल भर रहे हैं पानी की आगे की यात्रा के लिए। चारों तरफ बादलों ने पहाड़ों को ढक दिया है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है, पहाड़ों पर बादलों का खूबसूरत नज़ारा।
चलते चलते फिर एक छोटा सा नाला सामने आया है। इसे पार करने के बाद हम पहुंच रहे हैं काजरी गांव, जहां से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और चढ़ना है हमें नागद्वार मंदिर तक पहुंचने के लिए। नागद्वारी पिलग्रिम ट्रैक से लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंच चुके हैं काजरी गांव। यहां जो बहुत सारे टेंट लगे हुए आप देख रहे हैं, यह रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। इन टेंट में आप 100 रुपये देकर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। यहां आप अपना कोई भी टेंट बुक कर लें, जहां आप अपना एक कोई भी सामान छोड़ दें वो आपकी बुकिंग हो जाती है, और दर्शन करके आने के बाद आप यहां आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं इसी परिवेश में। फिर एक छोटी सी नदी मिली है जिसमें घुटने घुटने पानी है। देखिए आप किस तरह लोग इस नदी को पार कर रहे हैं, हंसते गाते झूमते नाचते हुए लोग बढ़ते चले जा रहे हैं नागद्वार मंदिर की तरफ। जगह जगह कई स्थान बने हुए हैं नाग देवता के काजरी गांव में। कपूर की भाप लेकर अपने ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं भक्त लोग। यहां से स्टार्ट होती है 4.5 किलोमीटर की हमारी सीधी खड़ाई की ट्रैकिंग। Thank you.
जगह जगह लंगर लगे हुए हैं जहां आप गरम गरम खिचड़ी का प्रसाद ले सकते हैं। इन लंगरों के अधिकांश आयोजक महाराष्ट्र से हैं। कुछ स्थानों पर लोहे की सीढ़ियाँ भी लगी हुई है
ऊपर चढ़ने के लिए। चौदह किलोमीटर के ट्रैक को पार करते हुए, जिसमें कई जंगल, पर्वत, नदियाँ शामिल थीं, उन्हें पार करते हुए, सफ़र को एंजॉय करते हुए, हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं पद्मशेष स्वामी की गुफा, जिसे नागद्वार की गुफा या नागलोक के दरवाजे के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग मिलकर दर्शन करते हैं नागलोक की गुफा के, जहाँ भगवान शंकर और नाग देवता विराजमान हैं। भगवान शंकर और नाग देवता के गुफा करने के बाद नागद्वार की यात्रा को हम विराम देंगे। तो आइए पहले चलकर मिलकर दर्शन करते हैं नाग देवता के और भगवान शंकर के। अच्छी लंबी लाइन लगी हुई है नाग देवता के दर्शन करने के लिए, और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। हम पहाड़ की चोटी पर हैं, जहाँ से चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अधिकांश बादलों से आच्छादित हैं। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और नागद्वार की गुफा के लिए लोगों की लाइन, जहाँ घंटों से भक्त खड़े हुए हैं लाइन में, आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे नागद्वार की गुफा तक पहुंचने के लिए, नाग देवता के दर्शन करने के लिए।
खुला रहे। अब ये क्या है, ये रास्ता रोक रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।